हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ये थ्योरम किया था जिसका स्टेटमेंट था कि अगर एफ एक रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है इन एफ क्यू ऑफ एक्स फाइनाइट फील्ड में और जिसका डिग्री एम है, तो इस एफ के पास ऑलवेज जो रूट होगा वो एफ क्यू रेस टू पावर एम में एग्जिस्ट करेगा, और इस एफ के जो रूट्स होंगे वो सारे के सारे सिंपल होंगे। सिंपल होंगे तो ऑब्वियस वो डिस्टिंक्ट होंगे, और वो डिस्टिंक्ट इस फॉर्म में होंगे। और साथ में हमने ये प्रूव कर दिया था कि जो एक्सटेंशन इस अल्फा के विद रिस्पेक्ट टू जो एक्सटेंशन ऑफ एफ क्यू होगी एफ क्यू होगी दैट विल बी क्यू रेस टू पावर एफ क्यू रेस टू पावर एम ही होगी। तो ये हमने लास्ट वीडियो में किया था। अब इसी के कंटेक्स्ट में अगर हम क्रोलरी 2.15 की बात करें, सो वी कैन से कि अगर एफ वी एन इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल इन रिंग पॉलिनोमियल ओवर गैल्वा फील्ड एफ क्यू ऑफ डिग्री एम then the splitting field of this irreducible polynomial f over f q is given by f q raised to power m। ठीक, तो यही इसका एक थ्योरम का सब पार्ट टाइप हो गया कि हमने ये प्रूव किया था कि एफ क्यू एम जो है क्यू रेस टू पावर एम जो है वो एक्सटेंशन जो स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ क्यू ऑफ अल्फा होगी उसके बराबर होगा। तो वी कैन से अबव थ्योरम above theorem that is 2.4 shows that f splits in f q raised to power m, and further एंड फर्दर मोर जो एफ क्यू के साथ हम जो एडजेक्शन करेंगे रूट की, जो डेफिनेटली इसके जो एफ के जो बाकी रूट्स होंगे उनको भी एडजेक्शन कर सकते हैं। सो एक अल्फा होगा, एक अल्फा रेस टू पावर क्यू होगा, एक अल्फा रेस टू पावर क्यू रेस टू पावर टू होगा, अप टू सो एंड सो अल्फा रेस टू पावर क्यू रेस टू पावर एम माइनस वन, एंड दैट इक्वल टू नथिंग व्हाट इट इज क्यू अल्फा ऑफ अल्फा के बराबर आएगा क्योंकि बाकी एलिमेंट इस अल्फा से ही जनरेट हो जाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू, एंड ये हमने अबव थ्योरम में प्रूव किया था कि इट इज नथिंग व्हाट इट इज क्यू रेस टू पावर एफ क्यू रेस टू पावर एम के बराबर है for a root alpha of f in f q raised to power m. So it means that ki jo f q raised to power m he
is a splitting field of F over FQ. So this is the one corollary from this. And the second result that can be, we conclude from theorem 2.14 is that any two irreducible polynomials in ring polynomial over Galois field FQ of the same degree have isomorphic splitting fields. ठीक, obvious है, एक रिंग में सेम डिग्री वाले irreducible polynomial possible है. It means that उनके corresponding जो isomorphic splitting field exist करेगी वो isomorphic होगी आपस में. So this is the second conclusion from theorem 2.14. क्योंकि डेफिनेटली दोनों फील्ड्स के बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, देयर विल बी वन कॉरेस्पॉन्डेंस. तो देयर वी कैन कंक्लूड दैट दे विल बी आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर. सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज कॉन्जुगेट. सो दिस इज द डेफिनेशन definition 2.17, and that is conjugate so let's define it. Let FQ raised to power m V an extension of FQ, and let alpha belongs to FQ raised to power m, then the elements alpha, alpha raised to power q, alpha raised to power q raised to power 2 up to alpha raised to power q raised to power m minus 1 are called conjugates of alpha with respect to FQ. So this is the definition of conjugate elements. So FQ ki jo extension hai q raised to power m, agar isme koi element hai to definitely is field ke paas ye element exist karenge, aur ये एलिमेंट जो होंगे वो दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड कॉन्जुगेट्स ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू क्यू. ए वन मोर थिंग, इस डेफिनेशन में एक चीज है कि हमने अगर पिछले थ्योरम के रिस्पेक्ट में बात करें तो अल्फा के लिए एक इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा ओवर एफ क्यू. सो इस डेफिनेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, जरूरी नहीं है कि अल्फा के लिए
एक इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा, वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक। सो इट मीन दैट कोई एलिमेंट अगर इस फील्ड के अंदर है तो ये एलिमेंट जो होंगे वो अल्फा के लिए कॉन्जुगेट्स होंगे रिस्पेक्ट टू एफ क्यू। और आपको पता है यही एलिमेंट होने वाले हैं कि इस फील्ड में जो अगर अल्फा अगर एफ क्यू रेस टू पावर एम को एग्जिस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली अल्फा रेस टू पावर क्यू रेस टू पावर एम जो होगा वो अल्फा के बराबर होगा। तो बिकॉज ऑफ दिस देयर विल बी ओनली दीज एलिमेंट्स। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्जुगेट। नोट फॉर मे, देर आर टू ऑब्जर्वेशंस। वन इज दैट द कॉन्जुगेट्स ऑफ अल्फा, यू कैन राइट डाउन द कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट्स ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू क्यू रेस टू पावर एम विद रिस्पेक्ट टू एफ क्यू आर डिस्टिंक्ट। अब ये डिस्टिंक्ट होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है, ये डिस्टिंक्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो मैंने आपको मेंशन करा कि ये जो अल्फा है ये जरूरी नहीं किसी इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल का रूट होगा। अगर ये नहीं है, रूट नहीं है, तो ये हो भी सकता है। अगर ये रूट होता किसी डिस्टिंक्ट पॉलिनोमियल का तो डेफिनेटली डिस्टिंक्ट होता, ठीक। तो अब हम बात कर रहे हैं कि ये डिस्टिंक्ट कब होंगे। सो द कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू एफ क्यू आर डिस्टिंक्ट इफ ओनली इफ द मिनिमल पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा ओवर एफ क्यू हैज डिग्री एम, हैज डिग्री एम, ठीक। वही बात आ गई कि अगर ऐसा एक मिनिमल पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा तो ये डिस्टिंक्ट होंगे, अदरवाइज दे मे नॉट बी डिस्टिंक्ट। सो दिस इज द वन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस। अदरवाइज क्या होगा, देखिए, अदरवाइज जो ये रूट्स होंगे वो क्या करेंगे, जो ये एलिमेंट्स हैं जो अल्फा के जो कॉन्डू कॉन्जुगेट्स हैं वो रिपीट करेंगे। कैसे करेंगे रिपीट, जो अगर डिग्री डी ऑफ दिस मिनिमल पॉलिनोमियल इज ए प्रॉपर डिवाइजर, डिवाइजर ऑफ एम, देन द कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट्स ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू एफ क्यू आर आर द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। कौन कौन से डिस्टिंक्ट होंगे, अल्फा, अल्फा रेस टू पावर क्यू, सो ऑन, सो अल्फा रेस टू पावर क्यू रेस टू पावर डी माइनस वन, ठीक। और डेफिनेटली ये एम से कम होंगे, ठीक। इट मीन दैट ये रिपीट करेंगे, ये एलिमेंट भी रिपीट करेगा, ये भी रिपीट करेगा, और कितने टाइम्स रिपीट करेगा, ईच रिपीटेड एम अपॉन डी टाइम्स, ठीक। तो क्लियर हो गया बात कि अगर इस मिनिमल पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो एम है, क्योंकि एम इससे लिंक है, तब तो ये डिस्टिंक्ट होंगे। अगर ये
इसकी जो मिनिमल पॉलिनोमियल है एग्जिस्ट कर रही है अल्फा की, और उसका जो डिग्री है वो एम नहीं है, एम से छोटा है, एम से छोटा हुआ तो डेफिनेटली एम का डिवाइजर होगा। और उस केस में क्या होगा, जो आपके अल्फा के जो कॉन्जुगेट्स बनेंगे वो कॉन्जुगेट्स ऑब्वियस एम से कम होंगे, तो जो डिस्टिंक्ट होंगे, जो मतलब रेपिटेशन को निकाल के जो बचेंगे डिस्टिंक्ट वाले, वो ये बचेंगे, और ये जो एलिमेंट्स आएंगे दे विल रिपीट। मतलब रेपिटेशन मैंने नहीं लिखी इसमें, लेकिन जैसे अल्फा है तो अल्फा कितनी बार रिपीट करेगा, एम अपॉन डी टाइम्स, अल्फा रेस्ट हुआ क्यू कितनी बार रिपीट करेगा, एम अपॉन क्यू टाइम्स। तो ये है, ये डिस्टिंक्ट है, बट इनकी अब खुद में रेपिटेशन है, तो मैंने वो रेपिटेशन नहीं लिखी, जो रिपीट कर रहा है हर टाइम वो ही लिखे जो रिपीटिंग हो रहे हैं। सो दे आर नॉट सिंपल एलिमेंट्स ऑफ या एलिमेंट रूट ऑफ दैट मिनिमल पॉलिनोमियल। सो दिस इज द वे वी कैन इंटरप्रेट द कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा। वन मोर थ्योरम रिलेटेड टू कॉन्जुगेट्स इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, and that theorem is the theorem is the conjugate of alpha belongs to fq star, or fq star aapko pata hai ki this is a multiplicative group of non zero elements of field fq। fq ke andar jo bhi non zero elements honge वो एक ग्रुप बनाएंगे और उसमें डेफिनेटली ये एलिमेंट होंगे, तो इसमें एलिमेंट होते हैं क्यू माइनस वन। ठीक, अगर अल्फा इसको बिलोंग कर रहा है और तो अल्फा के जो कॉन्जुगेट होंगे रिस्पेक्ट टू एनी सब फील्ड ऑफ एफ क्यू हैव द सेम ऑर्डर इन द ग्रुप एफ क्यू। इट मीन दैट जितना इस अल्फा का ऑर्डर होगा, अब हमें ये पहले ही पता है कि ये जो ग्रुप है ये ऑलवेज साइक्लिक है। ठीक, इसका अल्फा इसको बिलोंग कर रहा है, जितना इस अल्फा का ऑर्डर होगा उतने ही इसके कॉन्जुगेट एग्जिस्ट करेंगे रिस्पेक्ट टू एनी सब फील्ड ऑफ एफ क्यू। तो we can write here that ki jo fq star hai is a cyclic group, is a cyclic group, and kaun si theorem thi wo, that theorem by theorem 2.8, you can check previous video mein। to एक तो ये फनाइट हो गया, इसके पास क्यू माइनस एलिमेंट होंगे और साथ में वो साइक्लिक होता है ये, तो वी नो रिजल्ट, वी नो इन ए फनाइट साइक्लिक ग्रुप सी इट इज नेटेड बाय अल्फा ऑफ ऑर्डर m, the element alpha raised to power k generates a subgroup of order, कितना ऑर्डर होता है, एम डिवाइड बाई जीसीडी ऑफ एम और के बीच में जीसीडी होगा उससे डिवाइड करेंगे, उतने ऑर्डर का एक सब ग्रुप जनरेट करेगा। ठीक, सो इस थ्योरम में क्या होगा, देखिए अल्फा इसको बिलोंग कर रहा है, वो साइक्लिक है, तो डेफिनेटली अल्फा रेस टू पावर के जो एक सब ग्रुप बनाएगा उसका ऑर्डर एम अपॉन जीसीडी ऑफ
एम और के का जो जीसीडी होगा उससे डिवाइड करेगा उतना ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा। आल्सो एवरी पावर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ क्यू इज रिलेटिव, रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम टू द ऑर्डर, टू द ऑर्डर क्यू माइनस वन, ठीक, ऑफ एफ क्यू स्टार। एफ क्यू स्टार में आपको पता है एलिमेंट जो होते हैं वो क्यू माइनस वन होते हैं। तो इसका, इस ग्रुप का जो भी करेक्टरिस्टिक होगा एफ क्यू का, उसकी जो मर्जी पावर कर लो आप, उसका अगर हम जीसीडी निकालेंगे क्यू माइनस के वन के बीच में, तो वो क्या आएगा, वन आएगा, ठीक। रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है जीसीडी वन आएगा। इट मीन्स दैट इस रिजल्ट के कंटेक्स्ट में बात करें तो जो अल्फा का ऑर्डर एम था, ठीक, तो यहां पे अगर जीसीडी, यहाँ पे जीसीडी वन हो जाएगा, इसका मतलब अल्फा रेस टू पावर के जो जनरेट करेगा सब ग्रुप उसका ऑर्डर भी एम ही होगा। इट मीन्स दैट ये दोनों सेम हुए फिर तो, ठीक। इसका मतलब उस फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप को अल्फा और अल्फा रेस टू पावर के दोनों ही जनरेट कर देंगे, और यही हमने यहाँ पे प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दैट इज जीसीडी ऑफ Q और Q माइनस वन विल बी, अब लिखा है एनी पावर, तो Q हो या उसकी पावर हो उसका जीसीडी वन आएगा। हेंस वी कैन से द कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा दैट बिलोंग्स टू एफ स्टार Q with respect to any subfield of FQ have the same order in the ग्रुप एफ क्यू रेस टू पावर, नॉट पावर स्टार। तो इट मीन दैट जो कॉन्जुगेट अल्फा है उसका सेम ऑर्डर होगा दैट हैव द सेम ऑर्डर इन द ग्रुप एफ क्यू स्टार, क्योंकि हमने ये चेक कर दिया कि एफ क्यू के अंदर का जो करेक्टरिस्टिक होगा और एफ क्यू स्टार के ऑर्डर के बीच में ऑलवेज जीसीडी वन होगा। तो इट मीन्स दैट जितने भी आपके अल्फा के जो कॉन्जुगेट्स बनेंगे that will be the order of group में कितने elements होंगे उसके ही बराबर आएगा, ठीक। क्योंकि अगर इसका जो generator, इसका अगर यहाँ पे GCD 1 नहीं होता तो definitely element कम हो जाने थे, ठीक। तो GCD 1 रहेगा always, क्योंकि prime Q और Q minus 1 के बीच में GCD always बन रहेगा। तो that's why it means that जो number of elements होंगे, नंबर ऑफ जो कंजुगेट होंगे अल्फा के, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ स्टार क्यू। सो वन मोर क्रोलरी अबाउट दिस थ्योरम, दैट इज से 2.19
इफ अल्फा इज ए प्रिमिटिव एलिमेंट ऑफ एफ क्यू. अब आई थिंक यू नो अल्फा अगर प्रिमिटिव एलिमेंट है तो इट मीन दैट अल्फा इज जनरेटर ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप एफ क्यू स्टार. देन ऑल इट्स कॉन्जुगेट, ऑल इट्स कॉन्जुगेट विद रिस्पेक्ट टू एनी सब फील्ड ऑफ एफ क्यू आर ऑल्सो प्रिमिटिव. सो दिस इज द रिजल्ट फ्रॉम दिस थ्योरम. नाउ लेट्स डू, तो प्रिमिटिव एलिमेंट है तो उसके कॉन्जुगेट भी प्रिमिटिव होगा, वेरी सिंपल. नाउ द नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, एंड दैट एग्जाम्पल इज 2.20. इस एग्जाम्पल से आपको काफी क्लैरिटी होगी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. अगर हमने अल्फा ले लिया एफ 16 में से, तो क्यू 16 हुआ, क्यू 16 मीन्स क्यू इज 2 raised to power 4. ओके, एंड वी द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1 बिलोंग्स टू रिंग पॉलिनोमियल ओवर एफ टू. ठीक, इसके जो कोफिशिएंट है वो सारे के सारे एफ टू को बिलोंग करेंगे. सो एफ टू में डेफिनेटली 0 और 1 एलिमेंट होगा. देन व्हाट विल द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, देखिए देन द कॉन्जुगेट्स ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू एफ टू आर, एक तो आपका अल्फा हो गया, दूसरा अल्फा स्क्वायर होगा, तीसरा आपका अल्फा रेज टू पावर 4 होगा. और अगर अल्फा रेज टू 4 की बात करें, देखिए अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0 है. तो अल्फा रेज टू पावर 4 को हम सकते हैं माइनस अल्फा प्लस 1, और ये जो माइनस 1 है, माइनस 1 को हम 1 लिख सकते हैं, बिकॉज अगर एफ टू में 2 एलिमेंट होंगे 0 और 1, तो माइनस 1 का मतलब हो गया 1. ठीक, सो यहाँ पे अल्फा रेज टू 4 बन गया हमारे पास अल्फा प्लस 1. एंड अल्फा रेज टू पावर 8, इट मीन दैट इसको अगर स्क्वेयर कर दें हम, सो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे अल्फा रेज टू पावर 8, सो इट इज 1 प्लस अल्फा का स्क्वेयर, सो इट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2 अल्फा. सो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि एफ टू का करेक्टरिस्टिक 2 है, तो ये 0 हो जाएगा, तो वी लेफ्ट विद अल्फा स्क्वेयर प्लस 1, सो इट इज अल्फा स्क्वेयर प्लस 1. और यही हमारे क्या है, यहाँ पे 4 यहाँ पे क्या बने, हमारे कॉन्जुगेट्स बने. क्यों? क्योंकि हमने देखो, अगर हमने रिजल्ट को देखें, व्हाट वी हैव स्टडीड, कि अगर यहाँ पे जो एफ क्यू की बात करें, तो एफ क्यू हमारा यहाँ पे हुआ एफ क्यू, और 2 raised to power 4 हो गया यहाँ पे आपके पास क्यू रेस टू पावर एम. गॉट माय पॉइंट? तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्जुगेट्स होते हैं वो होंगे अल्फा, अल्फा रेस टू पावर 2, अल्फा रेस टू पावर
अब यहाँ पे क्यू आपका कितना है, टू है, अब यहाँ पे क्या आता है क्यू रेस टू पावर टू, मैं यहाँ पे क्यू के कंटेक्स्ट में लिख देता हूँ टू, और फिर आएगा अल्फा रेस टू पावर क्यू रेस टू पावर थ्री, ठीक, और थ्री ही यहाँ पे क्या है एम माइनस वन के बराबर है, ठीक, तो यही एलिमेंट होंगे, तो यहाँ पे अल्फा बन गया, यहाँ पे अल्फा स्क्वेयर बन गया, और यहाँ पे टू का स्क्वेयर, क्यू यहाँ पे टू हुआ ना, क्यू इज इक्वल टू टू, सो यहाँ पे बन गया टू रेस टू फोर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा टू रेस टू पावर थ्री, दैट इज एट, तो यही हमारे क्या होंगे यहाँ पे कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा होंगे रिस्पेक्ट टू एफ एफ क्यू यहाँ पे एफ टू है रिस्पेक्ट टू एफ टू। ऑल्सो ईच ऑफ देम बींग ए प्रिमिटिव प्रिमिटिव एलिमेंट एलिमेंट ऑफ F16 और ये सारे साथ में क्या होंगे प्रिमिटिव भी होंगे, इट मीन दैट एफ क्यू स्टार का जो एफ क्यू स्टार का जो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनेगा उसके लिए ये जनरेटर का काम भी करेंगे, ठीक। वन मोर थिंग, देखो अगर हम इसको अगर हम क्यू मानते हैं तो सब फील्ड हम हमारे पास एफ टू हुई, अगर इसकी सब फील्ड एक और हम ले लेते हैं कि F16 है, तो एक सेल हमने ली एफ टू, तो उसी तरह से मीन से टू रेस टू पावर फोर था तो एक ये ले ली, एक हम इसकी एक सब फील्ड और भी ले सकते हैं एफ टू रेस टू पावर टू, ठीक, क्योंकि सब फील्ड जो बनेगी वो इसको डिवाइड करेगी फोर को, तो टू तो टू को डिवाइड करता है, लेकिन एफ रेस टू पावर टू रेस टू पावर थ्री क्या इसकी सब फील्ड होगी, नहीं ये सब फील्ड नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि थ्री जो है वो फोर को डिवाइड नहीं करेगा, तो इसकी एक और सब फील्ड एग्जिस्ट कर सकती है, तो अगर ग्राफिकली अगर इसको बनाना हो तो एक तो आपकी सब फील्ड होगी टू रेस टू पावर फोर, दूसरा यहाँ पे इसका जो सब फील्ड बन गया वो बन गया एफ टू रेस टू पावर टू, और ये तो है ही है, क्यों, क्योंकि फोर के जो डिवाइजर हैं, फोर के जो डिवाइजर हैं वो तो टू होगा, वन होगा या टू होगा या फोर होगा, तो फोर तो इटसेल्फ आ जाएगा, तो दी दो सब फील्ड एग्जिस्ट करेगी, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू तो हमने कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर लिए, अगर इस इसके रिस्पेक्ट टू अगर हमने कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने हो तो क्या होंगे फिर, देन द कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू एफ टू रेस टू पावर टू, या यू कैन से एफ फोर आर, तो क्या होता है फार्मूला, पहले पहले अल्फा होता है, फिर अल्फा रेस टू पावर क्यू होगा, ठीक, सो डेफिनेटली यहां पे अब हमारे पास क्यू क्या बन जाएगा, क्यू बन के देखो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो रिस्पेक्ट टू अगर हम इसको बात करनी है तो हमारे पास इसकी फील्ड की बात करें तो हम इस पर लिखेंगे एफ फोर, और इसको हमने 16 को लिखना है तो टू रेस टू पावर फोर को हम ले सकते हैं एफ फोर रेस टू पावर टू, ठीक, तो इस कंटेक्स में एम क्या हो गया हमारे पास, अब ये एम हो गया हमारे पास टू, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या बनेगा क्यू, और यहाँ पे बन गया क्यू रेस टू पावर एम माइनस वन, ठीक, तो एक तो बन गया हमारे पास अल्फा,
और दूसरा बन जाएगा यहाँ पे q की वैल्यू 4 हो गई और q रेस टू पावर m, m हमारे पास 2 माइनस 1 2, दैट इज 2 माइनस 1 दैट इज 1. सो इट मीन्स दैट जो इसके कोसेट्स आए कॉन्जुगेट आए सॉरी कॉन्जुगेट जो अल्फा के होंगे दैट विल बी अल्फा n अल्फा रेस टू पावर 4. तो रिस्पेक्ट टू अल्फा 4 जो होंगे वे दो ही कॉन्जुगेट होंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.